लगातार बढ़ता संक्रमण का दायरा जाहिर सी बात है दहशत और डर पैदा कर रहा है, लेकिन सरकार एक्टिव है। केंद्र की मोदी सरकार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। चंडीगढ़ पीजीआई ने हरियाणा के कोरोना पॉजिटिव मरीजों को दाखिल करने से इनकार कर दिया। इसकी शिकायत हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से की। इस पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की है। इस बारे में और जानकारी के लिए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पीजीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने आरोप लगाया है कि पीजीआई हरियाणा के मरीजों को दाखिल नहीं कर रही। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, इनसे जानते हैं कि वो ये क्यों आरोप लगा रहे हैं कि पीजीआई कोरोना पॉजिटिव के मरीजों को अटेंड नहीं कर रही थी। देखिए अनिल जी, हमारे यहाँ सेक्टर 15 में बहुत ही सीरियस कोरोना पेशेंट, जिसके कारण 8 और केस हमें मिले, उस पेशेंट को हमारे सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर ने यहाँ जांच करने के बाद बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कह लीजिए, उसको पाया कि वो उसका इलाज पीजीआई में करवाएं और उन्होंने रेफ़र करके पीजीआई को भेजा। पर बड़े दुख की बात है कि एक कोरोना पेशेंट जो पूरी तरह से ग्रस्त है, उसको पीजीआई अथॉरिटीज़ ने पता नहीं किन कारणों से, किस आदेश के ऊपर उन्होंने उसको दाखिल करने से मना कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये कृत्य जो है, ये जो मेडिकल एथिक्स हैं उनके भी खिलाफ़ है और मानवता के खिलाफ है कि एक डॉक्टर घर पर आए मरीज को कहे कि मैं तुम्हें देखूँगा नहीं, और उसके पश्चात उस मरीज को वापस यहाँ सेक्टर 6 लाया गया, उसकी हालत को देखते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया गया। इस समय के अंदर कुछ भी हो सकता था। तो मैंने आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको पत्र लिख करके इस सारी इंसिडेंट की जानकारी दी है, और मैंने ये भी कहा है कि जिस भी किसी व्यक्ति ने, जिस भी किसी अधिकारी ने जो ये इस प्रकार से पेशेंट को एडमिट करने से मना किया है, और उसकी जांच की जाए, ताकि आज इन्होंने कहा है कि कोरोना पेशेंट है, हम उसको एडमिट नहीं करेंगे, कल को कहेंगे कि पंचकूला का, सिर्फ इसलिए कि वो पंचकूला का पेशेंट, चंडीगढ़ के करेंगे, पंजाब के बारे में मुझे नहीं पता क्या उनका रवैया है, लेकिन पंचकूला का पेशेंट है इसलिए एडमिट नहीं करेंगे। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो है, मैं समझता हूँ कि स्थिति है। स्पीकर साहब, जो चंडीगढ़ पीजीआई बना है, इस पीजीआई में कौन कौन से राज्यों के इमरजेंसी आने पर मरीज देखे जाते हैं? देखिए, पिछले लगभग 50-55 साल से जब से पीजीआई बना है, यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ के जितने भी पेशेंट्स हैं, क्रिटिकल पेशेंट यहाँ पर आते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा दी गई हैं, तो उसमें सभी राज्यों से यहाँ पर आते रहे हैं। और आज अगर इन्होंने पंचकूला के पेशेंट को मना किया है, मैं तो अपील करूँगा कि बाकी प्रदेश के लोग भी भेजने से पहले इनसे इस बात की जानकारी ले लें कि कहीं बाकी प्रदेशों के लिए भी तो नहीं मना किया गया। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इन्होंने पीजीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पीजीआई चंडीगढ़ ने हरियाणा के कोरोना मरीज को लेने से इनकार कर दिया है। वहीं इन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र लिखा है और इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।